दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं टॉप 5 साउथ इंडियन विलन का कार कलेक्शन। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि फिल्म में जितना ज़रूरी हीरो और हीरोइन होती है उतना ही ज़रूरी विलन भी होता है, और फिल्म में विलन ना हो तो फिल्म देखने का मज़ा ही नहीं आता है। इसलिए आज हम आपको टॉप 5 विलन का कार कलेक्शन दिखाने वाले हैं। और हाँ, अगर आप लोगों ने साउथ के सभी हीरो का कार कलेक्शन नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को चेक करके देख सकते हैं। तो अब बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे लिस्ट के फर्स्ट नंबर पे प्रकाश राज। दोस्तों ये साउथ इंडिया के बहुत ही फेमस विलेन हैं। इन्होंने साउथ मूवी के अलावा बॉलीवुड के कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में भी काम किया है, जैसे कि सिंघम, वांटेड, दबंग 2 में भी, और साथ ही ये साउथ फिल्म निर्माता और टीवी होस्ट भी है। तो अब देखते हैं इनका कार कलेक्शन। इनकी फर्स्ट नंबर पर जो कार आती है वो है लैंड रोवर डिफेंडर, जिसकी कीमत 1,22,00,000 रुपये है। इनकी सेकेंड नंबर पे जो कार आती है वो है मर्सिडीज बेंज GLS 350D, जिसकी कीमत 1,04,00,000 रुपये है। इनकी थर्ड नंबर पे जो कार आती है वो है इसुजू डी मैक्स, जिसकी कीमत 27,00,000 रुपये, और इस कार को पिकअप ट्रक भी कहा जाता है। इनकी फोर्थ नंबर पे जो कार आती है वो है महिंद्रा थार 4x4, जिसकी कीमत 18,00,000 रुपये, जैसे कि आप लोग भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेकेंड नंबर पे मुकेश ऋषि। दोस्तों इनको साउथ के फिल्मों में सबसे खतरनाक और खूंखार विलेन माना जाता है, जिसके चलते इनकी एक्टिंग का दबदबा साउथ से लेकर बॉलीवुड फिल्मों तक चलता है। तो अब इनके फिल्मों की तो बात हो गई, लेकिन अब बात करते हैं इनके कार कलेक्शन की। इनके फर्स्ट नंबर पे जो कार आती है वो है मर्सिडीज बेंज GLE 350D, जिसकी कीमत 90,00,000 रुपये है। इनकी सेकेंड नंबर पे जो कार आती है वो है BMW 5 सीरीज, जिसकी कीमत 75,00,000 रुपये है। इनकी थर्ड नंबर पे जो कार आती है वो है होंडा CRV, जिसकी कीमत 32,00,000 रुपये, जैसे कि आप लोग भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे लिस्ट के थर्ड नंबर पे प्रदीप रावत। दोस्तों ये साउथ के तमिल, तेलुगु और मलयालम फिल्मों में बतौर विलेन का रोल करते हैं, और लोगों को इनका विलेन वाला रोल बहुत पसंद भी आता है। साथ ही इन्होंने बॉलीवुड फिल्म गजनी में भी विलेन का रोल किया था और फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी। तो अब बात करते हैं इनके कार कलेक्शन की। इनकी फर्स्ट नंबर पर जो कार आती है वो है BMW 530D, जिसकी कीमत 87,00,000 रुपये है। इनके सेकेंड नंबर पर जो कार आती है वो है टोयोटा फॉर्चुनर, जिसकी कीमत 44,00,000 रुपये है। इनके थर्ड नंबर पे जो कार आती है वो है महिंद्रा स्कॉर्पियो, जिसकी कीमत 23,00,000 रुपये, जैसे कि आप लोग भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारे लिस्ट के फोर्थ नंबर पे जगवती बाबू। दोस्तों इनको 90 के दशक में बहुत ही बेहतरीन हीरो माना जाता था, लेकिन आज के टाइम पे इनको विलेन के रोल के लिए पहचाना जाता है। साथ ही लोगों को इनकी विलेन वाली एक्टिंग बहुत पसंद आती है, और ये तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम फिल्मों में काम करते हैं, और इसके अलावा ये फिल्म निर्माता और फिल्म डायरेक्टर भी है। तो अब बात करते हैं इनके कार कलेक्शन की। इनकी फर्स्ट नंबर पर जो कार आती है वो है मर्सिडीज बेंज AMG G63, जिसकी कीमत 2,55,00,000 रुपये है। इनकी सेकेंड नंबर पे जो कार आती है वो है पोर्स कैमन GTS, जिसकी कीमत 1,59,00,000 रुपये है। इनके थर्ड नंबर पे जो कार आती है वो है रेंज रोवर वॉक, जिसकी कीमत 2,40,00,000 रुपये, जैसे कि आप लोग भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनके फोर्थ नंबर पे जो कार आती है वो है जैगवार XF, जिसकी कीमत 76,00,000 रुपये है। हमारे लिस्ट के फाइव नंबर पे राहुल देव। दोस्तों ये साउथ इंडियन फिल्मों के बहुत ही मशहूर विलेन और मॉडल है। लोग इनकी एक्टिंग को और विलेन वाले रोल को बहुत पसंद करते हैं, और इन्होंने अपने फिल्म कैरियर की शुरुआत बॉलीवुड फिल्म चैंपियन से किया था, जिसमें इन्होंने बहुत ही बेहतरीन विलेन का रोल निभाया था। और ये आज के टाइम पर ज़्यादातर तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और पंजाबी फिल्मों में काम करते हैं। तो अब बात करते हैं इनके कार कलेक्शन की। इनकी फर्स्ट नंबर पर जो कार आती है वो है लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, जिसकी कीमत 5,00,00,000 रुपये है। इनकी सेकेंड नंबर पे जो कार आती है वो है BMW 730 LD, जिसकी कीमत 1,76,00,000 रुपये है। इनके थर्ड नंबर पे जो कार आती है वो है मर्सिडीज बेंज GLS 350D, जिसकी कीमत 90,00,000 रुपये है। इनके फोर्थ नंबर पे जो कार आती है वो है टोयोटा फॉर्चुनर, जिसकी कीमत 44,00,000 रुपये, जैसे कि आप लोग भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने टॉप 5 साउथ इंडियन एक्टर का कार कलेक्शन और साउथ के मेगा स्टार चिरंजीवी का कार कलेक्शन नहीं देखा है तो आप इन दोनों वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं।